दोस्तों, अगर आप पारसी बी की जीत का हीरो एबी डिविलियर्स को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आईपीएल 2018 में आज बैंगलोर ने हैदराबाद को एक बेहद ही रोमांचक मुकाबले में 14 रन से हराया। इस मैच में जीत के साथ बैंगलोर को 2 अहम पॉइंट्स मिले। इस जीत के साथ बैंगलोर पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर आ गई है, जिससे कि उसके प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मैच में हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बैंगलोर ने पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 218 रन बनाए। बैंगलोर के लिए एबी डिविलियर्स ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 69 रन बनाए। इसके अलावा मोइन अली ने भी 65 रन बनाए और पारी के अंत में कॉलिन डिग्रेंडहम ने 40 रनों की आक्रामक पारी खेली। 219 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पूरी हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 204 रन ही बना सकी। इस मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए एबी डिविलियर्स को मैन ऑफ द मैच चुना गया। हैदराबाद के खिलाफ जीत हासिल करने और मैन ऑफ द मैच बनने के बाद एबी ने इंटरव्यू में ऐसी बात कही है जिसे सुनकर आप भी बेहद ही खुश हो जाएंगे। इस मैच में जीत दर्ज करने के बाद एबी ने इंटरव्यू में ऐसा कहकर सभी लोगों का दिल जीत लिया है। एबी डिविलियर्स ने कहा, आज के मैच में हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, जिसके कारण हम मैच जीतने में कामयाब हो सके। इस जीत में सभी का योगदान था, इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छी जीत थी। मैच जीतने के बाद एबी ने कहा कि ये एक अद्भुत खेल है जिसके लिए हम सभी पागल हैं। आज के मैच में हम जीत से हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है। आज क्राउड बिल्कुल हमारे पीछे थी और हम उसे खींचने में कामयाब रहे, लेकिन मैं मैच के परिणाम से बहुत खुश हूँ। एबी ने कहा कि हमारी बल्लेबाजी ने मैच उनसे दूर कर दिया और बाकी का काम मेरे कैच और गेंदबाजों ने कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव जरूर डालता हूँ, क्योंकि मैं इस सब के बावजूद एक इंसान हूँ। मैं हमेशा उन्हें दबाव में रखने की कोशिश करता हूँ। एबी ने कहा कि अगर मुझे एक या दो गेंद अच्छी मिल जाए तो मैं इस पर अच्छा प्रहार कर सकता हूँ। आज मुझे ये कैच एक बुरी स्थिति में मिला। गेंद पर एक अच्छी घुमाव थी, जिस मिनट में मैंने कैच के लिए जंप किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर थोड़ा सा बाहर था। मुझे बस ये सही रखना पड़ा और सौभाग्य से यह अटक गया। उम्मीद है कि हम भविष्य में इससे अच्छा भी प्रदर्शन करेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अगले गेम को जीतने की जरूरत है, फिर उसके बाद नेट रन रेट पर सभी की निगाह होगी और कौन जानता है कि आगे क्या होगा।